हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नमक पारे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। नमक पारे दो तरीके के होते हैं, तो मैं मीठे वाले नहीं बनाने वाली हूँ, मैं नमकीन वाले नमक पारे बनाने वाली हूँ। तो जिसके लिए मुझे जो जो सामान चाहिए वो सारा मैंने किचन पे निकाल के रख दिया है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे ना, तो आपका सारा काम बहुत ही जल्दी जल्दी से होगा और नमक पारे भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप कुछ भी चीज़ जो डालनी है वो आप भूल भी नहीं जाओगे। और इस तरीके से आप एक बार करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे नमक पारे बन के तैयार होते हैं। तो मैंने तेल कढ़ाई में निकाल दिया है, जिसे गैस पे रख दिया है। मैंने गैस अभी चालू नहीं की है। तो यहाँ पर कसूरी मेथी को मैंने एकदम दोनों हाथों से क्रश करके रख दिया है। थोड़े काले मिरी जो होते हैं, ब्लैक पेपर, उसे कूट लिया है। पानी ले लिया है, नमक है, और ये मोयन के लिए तेल है, जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा गर्म करके रखा है। ये कटोरी में अजवाइन ले ली है। आप अजवाइन की जगह पे जीरा भी डाल सकते हो। तो अजवाइन को मैंने थोड़ा हाथों से क्रश करके रखा है। और ये जो परात में आटा है वो मैदे का आटा है, तो मैंने 4 कटोरी जितना मैदा ले लिया है। आप चाहे जितना भी ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी इतने हिसाब से ये सारी चीज़ें तैयार करके रख दी है। तो चलिए अभी हम नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले जो अजवाइन ली थी, वो अजवाइन आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच जितनी अजवाइन ले ली है। अजवाइन को हमें डाल देना है। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालना है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, इससे ना नमक पारे में टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी भी 1 चम्मच ले ली थी, और इसे मैंने दोनों हाथों से क्रश कर लिया है, तो इसका पाउडर जैसा हो गया है। यहाँ पर 10-12 जो काली मिरी है उसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और इन सबको हमें बहुत ही अच्छे से मिलाना है, क्योंकि मैदा काफ़ी हल्का फुल्का होता है, इस वजह से इसमें अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने सारा अच्छे से मसाला मिला दिया है, और जो मैदा है ना उसमें बीच में एक गड्ढा जैसा बनाया है, और उसमें हमें मोयन डालना है। ये मोयन गरम तेल है, जो गरम है तेल, इसीलिए सावधानी से ये काम कीजिएगा। तो अभी मैंने जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, उसी तरह से तेल के ऊपर मैंने जो मैदा है उसे थोड़ा थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ, और इसे हाथों से मिक्स करती जा रही हूँ। आप चाहे तो दोनों हाथों से भी इसे अच्छे से मसल दीजिए, ताकि सारा मोयन आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और आटा हमें ऐसे मुट्ठी जब भी हम बंद करें ना, उतना मोयन वाला होना चाहिए, उतना आपको तेल डालना है। तो देखिए, मैंने अभी तेल जितना लिया था उसमें से इतना तेल बच चुका है, और हमारा मोयन डाल के अभी तैयार हो चुका है आटा। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंथ लेंगे। तो पानी सादा वाला ही है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लूँगी, क्योंकि मैदे में जब भी आप पानी डाल के आटा गूंथोगे तो क्या होगा ना, एकदम से ही पतला हो जाता है। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा सा ही पानी लीजिए और आटा गूंथिए। ये गेहूं के आटे जैसा नहीं होता है, इसीलिए ये आटा बहुत ही संभल के गूंथिएगा। तो अभी हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, और इसे अच्छे से हमें गूंथना है, मसलना है आटे को हाथों से, जिससे ना नमक पारे बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, और तेल वाला हाथ आटे के ऊपर मैंने लगा दिया है। और अभी आटे को जो कटोरी में जो टोप था उसमें मैंने तेल लिया था, उसी टोप के अंदर मैंने आटे को रख दिया है, और इसे 15 मिनट तक हमें रेस्ट करने के लिए आटा छोड़ना है। और आटा ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंथना है, और ज़्यादा नरम भी नहीं गूंथना है। हम बिना सूखा वाला आटा लिए, रोटी जैसा बेल पाए वैसा हमें आटा रेडी करना है। तो देखिए, अभी 15 मिनट के बाद अभी मैं नमक पारे बनाने की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने आटे में से एक लोई ले ली है, छोटा ही बड़ी आप लोई अपने हिसाब से लीजिए, और इसकी एक रोटी हमें बेलनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं। देखिए, मैंने रोटी बेल दी है, मीडियम ही रोटी रखी है। तो रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर हमें थोड़े थोड़े ऐसे गड्ढे करने हैं, जैसे हम जो कांटा चम्मच होता है ना उससे ही करने हैं, ताकि ये हमारे नमक पारे फूल ना जाए। इस वजह से अगर आपके पास ऐसी चम्मच नहीं है, तो आप सादी वाली चम्मच लेके भी इसके ऊपर इस तरीके से गड्ढे जैसा कर सकते हो। और इसी तरह से मैं पूरे जो रोटी हमने बेली है उसके ऊपर मैं कर लूँगी गड्ढे।
और इसके बाद ऐसी एक चम्मच मिलती है मार्केट में, तो उससे हमें सारे नमक पारों को, रोटी को इस तरह से काट लेना है ताकि नमक पारे का शेप हमें अच्छे से मिल जाए। अगर आपके पास ऐसी चम्मच नहीं है तो आप पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए या डिज़ाइन वाला चाकू ले लीजिए, आप जैसे भी काटना चाहते हो उस हिसाब से नमक पारों को इस तरीके से काट लीजिए। लेकिन ऐसे डिज़ाइन में काटने से ना बच्चों को भी अच्छा लग रहा है और थोड़े अलग नमक पारे दिखाई देते हैं जो हम सादे चाकू से काटेंगे उससे। तो देखिए अभी मैंने सारे नमक पारों को इस तरह से काट लिया है और इसे इस परात में मैं ले लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल गरम हो चुका है, तो अभी मैं तलना भी शुरू कर दूंगी। तो अभी नमक पारों को मैंने, थोड़ा तेल गरम हो चुका है तो अभी इसमें डाल दिया है। तेल अच्छे से देखना एक नमक पारा डाल के कि वो तुरंत नीचे से ऊपर आ जाता है, तो तेल थोड़ा सा ठंडा होने देना, उसके बाद इसे डालना। एकदम गरम तेल में डालोगे ना तो कलर ना इसका बदली हो जाएगा लेकिन ये अच्छे से पकेगा नहीं। तो देखिए हमें गोल्डन कलर के इस तरह से फ्राई कर लेने हैं, तो मैं सारे नमक पारे इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और साथ ही साथ मैं दूसरे नमक पारे बेलती भी जा रही हूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। आप चाहे तो पहले रोटियाँ बना लीजिए ऐसे नमक पारों के लिए और उसके बाद इसके नमक पारे बना के तैयार कर लीजिए। मैं दोनों काम एक ही साथ कर रही हूँ लेकिन इसमें बहुत ही सावधानी रखनी है, पेशेंस से काम करना है, तभी ऐसे कोई नाश्ता आप बना रहे हो तो वो अच्छे से बन के तैयार होगा। तो देखिए हमारे नमक पारे मैंने सारे बना ले के तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही खस्ता बने हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप एक बार इस तरीके से रेसिपी ज़रूर से बनाइएगा। ये नमक पारे चाय के साथ बच्चों को टिफिन में भी आप दे सकते हो और ऐसे भी आप एंजॉय करोगे तो बहुत टेस्टी है। वीडियो को लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।